वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज आपको बैकग्राउंड में खूबसूरत सा व्यू नज़र आ रहा होगा। तो मैं आई थी अपने गाँव में, तो मैंने सोचा कि इस प्यारे से व्यू में आज आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड किया जाए। तो आप लोगों को पता होगा अगर आप डेली लेक्चर्स अटेंड करते हो कि हम सीरीज़ वाइज लेक्चर्स लेकर चलते हैं। 15 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। करंटली हम चैप्टर नंबर 16 डिस्कस कर रहे हैं जो कि हेल्थ साइकोलॉजी के बारे में है। वेबसाइट भी बना ली है जिस पे जो है वो मैं सारे लेक्चर्स आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करूँगी। तो आज का जो लेक्चर है ये मैं आपको फेस टू फेस दे रही हूँ। अब इसके नोट्स जो हैं वो वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक ऐड कर दूँगी, वहाँ से जाके आप नोट्स कॉपी करके अपनी असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन वगैरह जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपने वेबसाइट पर जाना है और उसको लाजमी फॉलो कर लेना है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 16 चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और 6 लेक्चर्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। इन 7 लेक्चर से पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें हमारे पास एक्यूट इलनेस वर्सेस क्रॉनिक इलनेस इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी करना है। उसके अलावा स्टेजेस ऑफ ग्रीफ इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपने लाजमी करनी है। वो शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, और पार्ट ए पार्ट बी करके भी उससे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसी तरह जो आज का टॉपिक है जिसको बायो साइको सोशल मॉडल कहा जाता है या BSV मॉडल कहा जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। तो बायो साइको सोशल मॉडल जो है वो 1977 में दिया था डॉक्टर जॉर्ज एंगल ने। अब उन्होंने क्या कहा था कि जब भी हम पर्सन की हेल्थ या इलनेस की बात करते हैं तो हमें पर्सन को एज अ होल देखना चाहिए। एज अ होल से मुराद ये है कि हमें उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से या मल्टीपल पर्सपेक्टिव पे फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी फोकस करना चाहिए, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी और सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों फैक्टर्स जो हैं किसी भी इंसान की हेल्थ और इलनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि किसी बंदे को कैंसर हुआ हो या फॉलिज का अटैक हुआ, तो उसकी वजह से उसमें डिप्रेसिव ये सिम्टम्स भी आ सकते हैं और डिप्रेशन उसके साइड इफ़ेक्ट का एक सिम्टम है भी, ठीक है। उसके अलावा जब वो सोसाइटी में जाता है, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती या उसको ये कहती है कि तुम बीमार हो, तुम ठीक नहीं हो पाओगे, तो सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स भी जो हैं वो इंसान की सेहत या बीमारी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस वजह से आज हम डिस्कस करेंगे बायो साइको सोशल मॉडल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाजमी आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। तो हम इंसान को की जो है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हैं, साइकोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल, ठीक है। इन तीनों फैक्टर्स पे जब हम फोकस करते हैं तो हम बेहतर तरीके से इंडिविजुअल का जो भी इशू चल रहा होता है उसको एक्सप्लोर कर पाते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर पाते हैं। जब हम इन तीनों फैक्टर्स पे फोकस करते हैं तो उतने ही पेशेंट की रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम पेशेंट को एज अ होल जो है वो एक्सप्लोर कर चुके होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बायोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे पास एज, जेंडर और जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आई होती हैं या पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है। इसी वजह से कहा जाता है कि फर्स्ट जो रिलेशन होता है उनमें आपको मैरिज नहीं करनी चाहिए, आपको आउट ऑफ फैमिली मैरिज करनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट रिलेशन में ये होता है कि आपके जीन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए होते हैं। तो उन जीन्स की वजह से जो आपके पेरेंट्स में बीमारियां होती हैं वो आपके बच्चों में भी बीमारियां आ सकती हैं। इसीलिए बायोलॉजिकल फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारी फिज़िकल हेल्थ आती है। उसके अलावा हमारी जो ब्रेन न्यूरोकेमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब न्यूरोकेमिस्ट्री की हम लोगों ने बात की तो एक पेशेंट जो डिप्रेसिव फेज से गुजर रहा है, उसको सवेयर किस्म का डिप्रेशन है, तो उसकी न्यूरोकेमिस्ट्री भी जो है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो जब पेशेंट सवेयर किस्म के डिप्रेशन से लड़ रहा होगा तो न्यूरोकेमिस्ट्री लाजमी सी बात है उसकी इफ़ेक्ट होगी। तो इस वजह से हमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स को मद्देनजर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारी फ़िज़िकल हेल्थ आती है, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारी मेंटल हेल्थ आती है। अब मेंटल हेल्थ में आप लोग अगर साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को पता होगा
KDSM के अकॉर्डिंग 20 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, फिर अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनकी सब क्लासिफिकेशन है, तो साइकोलॉजिकल हेल्थ में हमारी ये सारी मेंटल हेल्थ आ जाती है। फिर मेंटल हेल्थ के लिए कौन कौन सा ट्रीटमेंट होता है, कौन कौन सी साइकोथेरेपीज होती हैं, साइकोथेरेपीज के साथ हमें कौन कौन सी कॉपिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं, ये सारी हमारी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं। उसके अलावा हमारी इमोशनल हेल्थ होती है, हमारे बिलीव्स होते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, ये सारे जो है हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में अगर एक पेशेंट जो है वो डिप्रेशन से गुजर रहा है तो उसमें सिम्टम्स क्या होंगे, एक तो उसको होपलेसनेस होगी, हेल्पलेसनेस होगी, उसको लगेगा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है और हर वक्त वो सैड रहेगा, तो ये सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। इसीलिए किसी भी पेशेंट की बीमारी के लिए जो है वो उसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि यही सिम्टम्स हमें बताएंगे कि पेशेंट में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बाइपोलर है या फिर स्किज़ोफ्रेनिया है। तो इस वजह से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और लास्ट में हमारे पास आती है सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह सोसाइटी भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह हम लोगों ने बात की थी कि अगर किसी बंदे को फॉलिज का अटैक होता है उसमें सारे डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं, उसके अलावा सोसाइटी से उसको कौन कौन सी बातें सुननी पड़ती हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सोसाइटी में डिफरेंट चीज़ें आती हैं, आप सपोर्ट ग्रुप जितना स्ट्रॉन्ग होगा, सपोर्ट ग्रुप में कौन आता है, फैमिली आती है, फ्रेंड्स आते हैं, पीयर्स आते हैं, केयर गिवर्स आते हैं, ये जितने बंदे के ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही बंदे में रिकवरी के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आपका सपोर्ट ग्रुप जो है वो वीक है तो रिकवरी के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आते हैं, अगर आप में डिप्रेशन है, एंजाइटी है या कोई और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या कोई फिजिकल हेल्थ रिलेशन इशू है तो आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, क्योंकि जब भी आपकी लाइफ में कोई बीमारी आती है तो आपको बहुत से चैलेंजिंग से सामना करना पड़ता है, जिसमें फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं, रिलेशनशिप चैलेंजेस आते हैं, सोसाइटी रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं। तो जब ये सारे चैलेंजेस आते हैं तो ये हमारे सोसाइटी फैक्टर्स में आते हैं, सोसाइटल फैक्टर्स में आते हैं, और ये फैक्टर्स जो हैं हमारी हेल्थ और इलनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितने ही आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स आपका साथ देने वाले होंगे उतना ही आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी, उतने ही आपकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे। लेकिन अगर यही लोग आपका साथ देने वाले नहीं हैं, बीमारी में आपका ख्याल रखने वाले नहीं हैं, आपके ट्रीटमेंट में आपको हेल्प आउट नहीं करते तो उतना ही रिकवरी के चांसेस जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके इर्द गिर्द जो भी सपोर्ट ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितना सपोर्ट ग्रुप स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही आपकी हेल्दी पर्सनैलिटी बनेगी, उतने ही आप ऑप्टिमिस्टिक होंगे, उतने ही आप जल्दी रिकवर करेंगे, ग्रो करेंगे और नॉर्मल लाइफ की तरफ मूव ऑन करेंगे। उसके अलावा सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब एक पर्सन जो है वो डिप्रेसिव फेज से गुजर रहा है तो अब हम उसकी जो सोसाइटल या सोशल फैक्टर्स जो हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। अब हमें पता चलता है कि इसकी फैमिली जो है ना वो इसका साथ नहीं देती, वो इसकी बातों को समझती नहीं है, वो इसकी बीमारी को समझती नहीं है, तो वहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट जो है वहाँ पर फैमिली सेशंस या फैमिली थेरेपी या फैमिली साइकोथेरेपी जो है वो अरेंज करेगा, वो अप्लाई करेगा, जिसमें पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को बुलाया जाएगा और उनके साथ थेरेपी की जाएगी, ताकि वो जो पेशेंट डिप्रेसिव फेज से गुजर रहा है उसको उसकी फैमिली सपोर्ट कर सके। जब उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करेगी तो ऑटोमेटिकली अब वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि अब मैं अकेला इस जंग में नहीं लड़ रहा बल्कि मेरी फैमिली जो है वो भी मुझे सपोर्ट कर रही है, तो फैमिली के सपोर्ट से वो ज़्यादा जल्दी बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक पर्सन ऐसा है जहाँ पे उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही तो वो कभी भी जल्दी रिकवर नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से हम लोग फैमिली थेरेपी या फिर फैमिली के साथ सेशन लाजमी कंडक्ट करते हैं उस पर्सन के फैमिली के साथ जिसके फैमिली के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं होते या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे होते हैं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और सोशियोलॉजिकल या सोसाइटल या सोशल फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस सारे मॉडल को बायो साइको सोशल मॉडल कहा जाता है। ये तीनों फैक्टर्स जो हैं हेल्थ एंड इलनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इस वजह से इन तीनों पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप किसी भी पेशेंट से डील करते हो। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।